ये देखिए, जिसे देख रहे हैं ये है ब्रेक कलीपर, और इसका डिसमेंटल होता है और यहाँ पर इसको फिर से असेंबल किया जाता है। जिसके ब्रेक क्लिपर जिसकी गाड़ी से खुल के आया है, और इसको हम पार्ट पार्ट को खोल के और फिर से असेंबल करेंगे, और फाइनल देखिए किस तरह से रेडी बना दिया जाता है। और यही ब्रेक क्लिपर लगता है हमारे LHB कोच में, जैसा कि देख रहे हैं ये फाइनल बना हुआ है ब्रेक क्लिपर ब्रेक, और इसी से ब्रेक लगता है LHB गाड़ी में, LHB रेल में, जैसा कि देख रहे हैं ये फाइनल बना हुआ है। इसमें देखिए बनाया गया है NBQS में, इसके ऊपर NBQS ओके करके लिखा हुआ है, और सीरियल नंबर और डेट कब ये बना है। और ये जो है ब्रेक सिलेंडर का जो डाया होता है ये 10 इंची का होता है, 255 mm का होता है, याद रखिएगा 10 इंची 255 mm LHB का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर होता है। और इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 21 mm होता है। तो LHB का जो ब्रेक सिलेंडर होता है इसका जो पिस्टन स्ट्रोक है हमेशा पूछता है, तो वो होता है 21 mm, याद रखिएगा। और ये ब्रेक क्लीपर है, और ब्रेक क्लीपर का जो मिडिल पिन है, जैसा देख रहे हैं ये मिडिल पिन, ये इसका इसमें ग्रीसिंग किया हुआ रहता है और ये ढीला रहता है, इसी के कारण ब्रेक आसानी से लगता है और कभी कभी जाम होने के वजह से ब्रेक नहीं लगता है। तो इस तरह से ब्रेक क्लीपर यहाँ पर बनाया जाता है। ये टेस्ट बेंच है ब्रेक क्लीपर का, यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के साथ ये पैड लगा हुआ है, देखिए ब्रेक पैड। और ये ब्रेक पैड जो होता है ये 35 mm का नया आता है, ये जो ब्रेक पैड है ये 35 mm का आता है। जब ये 7 mm बच जाता है, घिस के 7 mm हो जाता है, तब इसको कंडम कर दिया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कि LHB का ब्रेक पैड जो नया आता है वो कितना mm का होता है न्यू में, तो 35 mm का होता है और कंडम करते हैं 7 mm पे। तो याद रखिए ब्रेक क्लीपर का ये देखिए यहाँ डिसमेंटलिंग किया जाता है, इसको पार्टे पार्ट देखिए अलग कर दिया गया है, और इसको जो चलने लायक रहेगा उसको फिर से असेंबल किया जाएगा, और इसी टेस्ट बेंच पर इसको फिर से बनाते हैं, और फाइनली जो है ब्रेक सिलेंडर जो है इस तरह से रेडी कर दिया जाता है और फिर इसको गाड़ी में लगा दिया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं ये सारा ब्रेक सिलेंडर रेडी है और यही जाके गाड़ी में लगेगा, और जो LHB कोच है, LHB जो गाड़ी LHB बोगी है इसमें लगाते हैं, और एक बोगी में 4 ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है, यानी एक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है। तो इस तरह से देख रहे हैं ये ब्रेक सिलेंडर है, ब्रेक क्लीपर है, तो ये क्रॉस बीम के साथ इसको अटैच कर दिया जाएगा। क्रॉस बीम के साथ इसको अटैच करने के बाद इसमें एयर का कनेक्शन दिया जाएगा, एयर कनेक्शन देने के बाद इसका काम शुरू हो जाता है, और ब्रेकिंग सिस्टम इसी से लगता है। तो ये LHB का ब्रेक सिलेंडर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और जो पुराना है जो गाड़ी से खुल के आता है, देखिए किस कंडीशन में गाड़ी से खुल के आता है, और यहाँ पर डिसमेंटल करके पार्टे पार्ट अलग कर दिया जाता है। इसका मिडिल पिन को बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाता है ताकि उसी से मूवमेंट होता है आसानी से। अगर मिडिल पिन जाम रहेगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, और इसी में ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है कभी कभी मैकेनिकल फॉल्ट के वजह से ब्रेक जाम हो जाता है। तो ये पार्टे पार्ट डिसमेंटल करके देख रहे हैं, इसको सफाई कर दिया गया। सफाई करने के बाद इसको हम फिर से इसके ऊपर टेबल पर इसको रख के बनाते हैं, और फाइनली इस तरह से तैयार कर देते हैं कि बोगी में लगाया जा सके, और फिर फाइनली जाके बोगी में लगाते हैं, और इस तरह से ब्रेक लगता है। ये हो गया ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोच। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।